हेलो दोस्तों, आप सभी को मालूम चल ही गया होगा कि प्रो कबड्डी लीग के सीजन 5 का ऑक्शन कंप्लीट हो चुका है। और आपको ये भी पता चल गया होगा कि नितिन तोमर ने पूरा इतिहास रच दिया। जी हाँ दोस्तों, वही नितिन तोमर जिसको उत्तर प्रदेश की टीम ने 93 लाख में खरीदा है। जी हाँ, कबड्डी के इतिहास में ये सबसे पहली बार हुआ है कि 93 लाख में किसी खिलाड़ी को खरीदा गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सभी टीम के पूरी डिटेल्ड खिलाड़ियों के नाम। उससे पहले दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अभी तक शेड्यूल नहीं आया है। वैसे ये चीज़ पता चल गया है कि जुलाई में ही मैचेस स्टार्ट होंगे, लेकिन कंप्लीट शेड्यूल आने में अभी कुछ वक्त लगेगा। और वो शेड्यूल जो ही आएंगे, मैं आपको ज़रूर एक वीडियो बना के आपको बताऊंगा। और मैं उसमें ये भी बताऊंगा कि आप अपने टिकट कहाँ से बुक कर सकते हैं और कैसे बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि उस वीडियो को बिना किसी प्रॉब्लम के आप देख सकें, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, अभी मैं आता हूं अपने टॉपिक पर, यानी कि अब हम आपको बताएंगे कि सारे टीम के खिलाड़ियों के नाम। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं तमिलनाडु की टीम के साथ, जो कि सचिन तेंदुलकर के द्वारा खरीदा गया है। इस टीम के खिलाड़ियों के नाम हैं अमित हुडा, अजय ठाकुर, भवानी राजपूत, प्रताप राजेश, अनिल कुमार, मुगलिन, संकेत छवन, डोंगजन ली, एम तिवाकरन, वलीद अल हसनी, चंद्रिक पार्क, प्रमोद नरवाल और विजय कुमार। तो अगली टीम है टीम उत्तर प्रदेश। इसके खिलाड़ियों के नाम हैं नितिन तोमर, राजेश नरवाल, जीवा कुमार, ऋषांक देवाड़िका, पंकज, सुलेमान कबीर, सुरेंद्र सिंह, गुरविंदर सिंह, महेश गौड़ और संतोष बीएस। दोस्तों, अगली टीम है टीम गुजरात। उसके खिलाड़ियों के नाम हैं फजल अतराचली, सुकेश हेगड़े, महेंद्र गणेश, सीकलई, रोहित गुलिया, अबोजर मुहाजिर, विकास काले, अमित राठी और सचिन। दोस्तों, अगली टीम है टीम हरियाणा। इसके खिलाड़ियों के नाम है सुरेंद्र नाडा, मोहित चिल्लर, सोनू नरवाल, नीरज कुमार, मयूर, सुरजीत सिंह, विकास, डेविड सिलसिया, महेंद्र सिंह, नीरज कुमार, प्रशांत कुमार राय और दीपक कुमार दहिया। दोस्तों, अगली टीम है टीम पटना पायलट। इसके खिलाड़ियों के नाम है प्रदीप नरवाल, विशाल माने, सचिन चिंगाड़े, मोहम्मद मगसोटलू, अरविंद कुमार विजय, मोनू गोयत, मनीष कुमार जयदीप, मोहम्मद जाकिर हुसैन, प्रवीण बिरबल, सतीश कुमार और संदीप। दोस्तों, अगली टीम है टीम यू-मुंबा। उसके खिलाड़ियों के नाम है अनुप कुमार, हरिओ स्ट्रोक, काजलिंगा, सबीर बाबू, जोगिंदर नरवाल, नितिन मदने, शिवोम, कुलदीप सिंह, सुरेंद्र सिंह, ई सुभाष, डोंगजोंगकू, डी सुरेश कुमार, यांगजो ओके। अगली टीम है जयपुर पिंक पैंथर्स। इसके खिलाड़ियों के नाम है मंजीत चिल्लर, शिल्वामणि, जसवीर सिंह, अजीत सिंह, संतापना सेल्वम, सोमवीर शेखर, नवनीत गौतम, अजीत सिंह, कमल किशोर, जी मिनली और परेज भैंसवाल। अगली टीम है तेलुगु टाइटन। उसके खिलाड़ियों के नाम है राहुल चौधरी, राकेश कुमार, रन सिंह, फरहद, रहीमी, सोमवीर, अतुल एमएस, विनोद कुमार, विकास, विकास कुमार, विशाल भारद्वाज। अगली टीम है बेंगलुरु बुल। उसके खिलाड़ियों के नाम है रोहित कुमार, आशीष सांगवान, रविंदर पहल, अजय कुमार, हरीश नायक, सुमित सिंह और संजय श्रेष्ठ। अगली टीम है बंगाल वॉरियर्स की टीम। इसके खिलाड़ियों के नाम है जान कुंडली, जो कि साउथ कोरिया के हैं और ये फॉरेनर में सबसे कॉस्टली प्लेयर साबित हुए हैं इस बार के पीकेएल 5 में। रन सिंह, सुरजीत सिंह, यांग चांगको, अमरेश मंडल, संदीप मलिक, रविंद्र रमेश, श्रीकांत थेवटिया, रविंद्र रमेश, भूपेंद्र सिंह, दीपक नरवाल, रंग वांखेड़े और राहुल कुमार। अगली टीम है पुनेरी पल्टन। उसके खिलाड़ियों के नाम है दीपक निवास हुडा, राजेश मंडल, संदीप नरवाल, राजेश मंडल, ताका मेत्सु कोनो, गिरीश मारुति, मोहम्मद जियोर, रवि कुमार, रोहित कुमार चौधरी। अगली टीम है दबंग दिल्ली। उसके खिलाड़ियों के नाम है मिराज शेख, नीलेश सिंधे, रवि दलाल, फजल, तापस पॉल, विशाल, सुनील कुमार, जीराव हेगड़े, विशाल, सूरज देसाई और विराज लांडगे। तो दोस्तों, ये थी खिलाड़ियों के नाम। लेकिन दोस्तों, इसमें अभी कुछ और खिलाड़ी ऐड हो सकते हैं, क्योंकि अभी कुछ खिलाड़ी वैसे भी बाकी है जिनको किसी टीम ने नहीं खरीदा, तो उनका भी डिस्ट्रीब्यूशन बाकी है। उसके बाद कुछ और खिलाड़ी ऐड हो जाएंगे। तो दोस्तों, पूरी डिटेल आएगी, नई डिटेल तो मैं फिर आपको बताऊँगा, और शेड्यूल आने के बाद मैं आपको तुरंत बताऊँगा। तब तक के लिए इन्जॉय करिए। बाय बाय।